हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको आज एक टिप बताऊंगी कि स्ट्रॉबेरीज को कैसे सेव करके रखते हैं हम लोग, और अगर आपने इसको 7 डेज के लिए सेव करना है तो फिर इसके लिए भी तरीका बताऊंगी, और अगर आपने इसको लॉन्ग टाइम के लिए करना है 2-3 वीक्स के लिए तो इसके लिए भी तरीका बताऊंगी। देखिए, मैंने स्ट्रॉबेरीज ले ली थी इस तरह। अच्छा, आप चेक कर लीजिएगा कि अगर आप बॉक्स को जब अनबॉक्स करते हैं स्ट्रॉबेरी बॉक्स को, तो उसमें अगर एक दो खराब हो या कुछ भी, तो उनको मेक श्योर के निकाल दीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह से बाकी सब डैमेज होती हैं। अच्छा, ये मैंने वाटर लिया है, नॉर्मल वाटर लिया मैंने, 7 से 8 ग्लास कप, सॉरी, इसमें जाएगा व्हाइट विनेगर मैंने लिया है 1/2 कप। ये देखिए, कप व्हाइट विनेगर इसमें ऐड करेंगे, सॉल्ट कर देती हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, वैसे मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी साइज स्ट्रॉबेरीज ऐड कर देंगे थोड़ी थोड़ी करके, और फिर हम इनको छोड़ देंगे ढक के 15 मिनट के लिए। इससे स्ट्रॉबेरीज फ्रेश रहती हैं, बिल्कुल खराब नहीं होती और लॉन्ग टाइम तक चलती है। अगर फिर आप इनकी स्मूदी बनाओ या इनको किसी डेजर्ट में यूज करोगे तो भी इनका टेस्ट फ्लेवर सेम रहेगा। ये सारी इसमें चली गई हैं, इनको मैंने अब 10 मिनट के लिए इनको छोड़ देना। ये देखें, इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको ड्राई कर लेंगे छन्नी में। अच्छा, इसको जितना लंबा आप रख सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है। 5 से 10 मिनट के लिए भी इसको छोड़ दें, या 15-20 मिनट के लिए बेहतर। इसको निकाल लेंगे, इनको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। अच्छा, और ये देखें, अगर आपने 7 डेज की कर ली हो तो मैंने स्ट्रॉबेरीज को धो लिया अच्छी तरह, और एक टिश्यू पे इनको यूं करके फैला लिया। मैं थोड़ी सी सिर्फ आपको करके बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ज्यादा टाइम के लिए प्लीज करनी है तो मैंने इनको अलग से कर लिया। अच्छा, एक और नैपकिन लेंगे हम और अच्छे से इनको ड्राई कर लेंगे ऐसे। ये 7 to 10 डेज तक सही रहते हैं, अच्छे से ड्राई करें इनको। देखिए, अच्छे से ड्राई हो गई है। मैं एक नैपकिन और लूंगी और उसको मैं बॉक्स के अंदर ऐसे फिट कर दूंगी, उसको अच्छे से ऐसे फिट कर देना। ही देखिए, ऐसे करके इसके अंदर स्ट्रॉबेरी डाल दें, और अगर ये देखिए एयर टाइट कोई भी दबा नहीं, तो जिप लॉक के अंदर आप टिश्यू यू रख के तो फिर इसको अंदर रख सकते हैं। देखिए, एयर टाइट बन गया। ये देखिए, अब ये 7 डेज के लिए खराब नहीं होगी, जरूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, ये जो मेरी स्ट्रॉबेरी थी जो मैंने विनेगर में की थी, इनको मैं ऐसे किसी भी ट्रे के अंदर आप टिश्यू या अखबार को रख के तो इनको सारों को ऐसे करके छोड़ दें 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं, और फिर किसी भी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट बॉक्स में इनको डाल के आप इनको फ्रीजर में रख लें। जब भी स्मूदी बनानी हो या डेजर्ट बनाना हो तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल फ्रेश होंगी, इनका टेस्ट बिल्कुल नहीं चेंज होगा, कलर भी नहीं चेंज होगा। सारी आगे चमक इसके ऊपर ऐसे रख दूंगी ताकि इसका पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, और 2 से 3 मिनट में इसको जिप्लॉक बैग में डाल दूंगी। अच्छे से इसको हमने एब्जॉर्ब करवा देना पानी, ताकि स्ट्रॉबेरीज बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखिए, कितने अच्छे से ड्राई हो गई ना। अपने को जिप लॉक बैग में, कोई भी जिप लॉक बैग लेना, उसमें आपने स्ट्रॉबेरीज को डाल के फ्रीजर में रख देना है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।